हाँ आकृति देखो, दोबारा देख लो। इसमें हमने क्या करा है कि जो S2P जो है, हमने ये कहा कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, S1AB और S2BP, इसकी बात कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। S2P माइनस S1P, यहाँ वाला ये एक सोर्स जो है, एक सोर्स मतलब क्या था कि यहाँ पर एक ना सिंगल स्लाइड लगी हुई थी, सिंगल स्लाइड के बीच में मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया। यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब यह है कि उसमें बहुत सारे रंगों का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एक ही रंग की लाइट है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने छोटा सा होल कर दिया, तो लाइट ऐसे निकलेगी। लाइट की जो वेव्स निकल रही हैं, उनको मैंने ऑल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने एक बड़ी जो स्लाइड है वो यहाँ पर भी लगा दी, और इस बड़ी स्लाइड में मैंने ना दो छोटे छोटे होल्स कर दिए, दो छोटे छोटे कट लगा दिए। तो एक को मैंने बोल दिया S1 और एक को बोल दिया S2। तो S1 और S2 हमारे दो अलग अलग सोर्सेज हो गए। क्या है कि एक सोर्स, भाई हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक सोर्स से दो वेवलेट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इससे दो वेवलेट्स हो गई, इसके आगे भी मैं लगाता तो इससे भी दो प्रोड्यूस होती, इससे भी दो प्रोड्यूस होती, तो दो दो वेवलेट सबसे प्रोड्यूस होती चली जाती है। तो आगे देखिएगा कि मैं सिर्फ इनिशियली इस सोर्स को कहता हूँ कि इसने दो अलग अलग सोर्सेस बना दिए, क्योंकि हमने दो अलग अलग स्लिट्स काटी हैं। अब S1 से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट। मैंने ये कहा कि पॉइंट पी पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि पॉइंट पी पर इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। पॉइंट पी कितने होंगे? पॉइंट पी इस स्क्रीन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमने कहा कि हम किसी एक पॉइंट पर स्टडी करेंगे और फिर एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर देंगे सभी पॉइंट्स के लिए। ठीक, यहां तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? S1P और S2P, इन दोनों पाथ्स का डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P ये हो गया हमारा स्मॉल पी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने कहा कि S2P माइनस S1P तो मेरे पास है, चलो स्मॉल पी इसकी वैल्यू तो मेरे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि इनको कैसे और कैलकुलेट करा जा सकता है, कि मैं पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ये जो S1AP है ना ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है, और S2BP जो ट्राइंगल है, S2BP ये वाला जो ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है। हमने क्या करा, S2P² माइनस S1P² कैलकुलेट करना चाहा। तो S2P² माइनस S1P², तो अब आप ये देखो S2P ये कौन से राइट ट्राइंगल में लाई कर रहा है, S2BP में। तो S2P क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है S2B, तो S2B का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BP, तो BP का स्क्वायर, ठीक है? माइनस S1P², तो अब S1P² देखेंगे ये क्या है, S1P ये है, ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन से ट्राइंगल में लाई करेगा, S1AP में। तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A² प्लस AP² S1A² प्लस AP² फिर देखिए S2B² कितना है, S2B कितना है, कैपिटल D। तो S2B की जगह कैपिटल D लिख दिया, स्क्वायर है तो D का स्क्वायर। फिर BP का स्क्वायर, तो BP देखिएगा क्या होगा, BP होगा B से लेकर P तक की लेंथ। तो B से P तक की लेंथ कितनी है, ये x तो है ही यहां तक, और यहां से आगे तक की मतलब ये वाली लेंथ तो x है, यहां से आगे वाली लेंथ कितनी है d/2। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, x प्लस d/2, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच में माइनस का साइन है, वो है ही S1A। S1A कितना है, ये भी कैपिटल D है, तो ये कैपिटल D² हो गया प्लस AP²। AP मतलब ये वाली लेंथ, तो ये यहां से लेकर और यहां तक इतनी लेंथ कितनी है, ये तो x है। अगर x में से इतना ये d/2, अगर x में से d/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बच जाएगा, तो इसलिए x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो S2P² माइनस S1P², अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, d² एज इट इज, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस d² और माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। फिर S2P² माइनस S1P² को मैंने लिख दिया S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, A प्लस B इंटू A माइनस B आइडेंटिटी। फिर X प्लस d/2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा, तो X² प्लस d/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, D² बाई 4, A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एस टू बी प्लस एस वन बी मल्टीप्लाइड बाई एस टू बी माइनस एस वन बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स इन टू डी, कितना हो गया एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर और ये है माइनस एक्स डी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल एक्स डी प्लस एक्स डी कितना हो गया टू एक्स डी। तो एस टू बी प्लस एस वन बी को मैं ऐसे ऐसे ही लिख दूंगा, वापस मैंने ऐसे ही लिख दिया एस टू बी प्लस एस वन बी, लेकिन ये जो एस टू बी माइनस एस वन बी है ये है स्मॉल पी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया स्मॉल पी इज इक्वल टू फिर एक्स डी प्लस एक्स डी कितना हो गया टू एक्स डी। अब स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो गई टू एक्स डी अपॉन एस टू पी प्लस एस वन पी कितना हो गया, ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आया स्मॉल पी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्मॉल पी की वैल्यू एस टू पी माइनस एस वन पी होती है और ये हमारे पास हम ये कहेंगे इन प्रैक्टिस बस एक लाइन लिखनी है यहां पर बहुत आसान है आप समझ जाएंगे। In practice, the point capital P lies very close to capital O. The point capital P lies very close to capital O. अब ये आराम से आप समझ लेंगे, आप ये देखेंगे जैसे मैंने ये तो समझाने के लिए आपको ये बता दिया कि पॉइंट पी यहां पर, लेकिन जनरली होता क्या है ये पॉइंट पी इतनी दूर नहीं होता ताकि दो बड़े बड़े राइट ट्राइंगल्स आराम से क्लियरली आप लोग देख लो डिफ्रेंशिएट कर लो, इसीलिए यहाँ पर जो है ये समझाया गया है कि पॉइंट पी जो है काफी दूर है। ठीक है, ताकि दो राइट ट्राइंगल्स बड़े बड़े दो राइट ट्राइंगल्स एस वन बीपी और एस टू बीपी दिखाई दे जाए समझ में आ जाए, लेकिन जनरली क्या होता है जनरली ये जो पॉइंट पी है ये ओ के बहुत नजदीक लाई करता है, तो जब ये ओ के बहुत नजदीक लाई करेगा तो आप ये देख लो कि एस वन पी की लेंथ और एस टू पी की लेंथ इन दोनों की लेंथ लगभग लगभग बराबर हो जाएगी और इतनी बराबर हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि ये जो गैप है ना दोनों स्लिप्स के बीच में ये गैप भी बहुत ज्यादा नहीं होता, ये जो स्मॉल डी बाई टू स्मॉल डी बाई टू ये बहुत ज्यादा नहीं होता, तो आप ये देखो कि एस वन पी यहाँ आ गया एस टू पी जो है वो भी नजदीक होकर यहाँ पर आ गया वो के नजदीक ही है क्योंकि पॉइंट पी और ये जो गैप है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो लगभग लगभग ये कहा जा सकता है कि एस वन पी और एस टू पी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है और वो भी इक्वल टू कैपिटल डी ही है। मेरी बात समझ में आ गई, जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये जो पॉइंट पी है ये पॉइंट ओ के नजदीक ही होता है, जब नजदीक है तो एस वन पी ऐसे बन जाएगी लाइन ऐसे, ठीक है, और एस टू पी जो है ये लाइन भी ऐसे बन जाएगी क्योंकि वो ओ के बहुत नजदीक है, ये लाइन भी ऐसे बन जाएगी ये लाइन भी ऐसे बन जाएगी और ये गैप भी बहुत कम है, तो ये लाइन ऐसी टेढ़ी ना होकर लगभग लगभग
ऐसी ही हो जाएगी जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो ये गैप जो है ये डी हो जाएगा। मतलब इसमें डबल स्लिट्स में और स्क्रीन में जो गैप है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी के ही इक्वल हो जाएंगे एस टू पी भी और एस वन पी भी। बताइए समझ गए, बताओ क्लियर है? Yes, sir. तो दोनों का जो एडिशन एस वन पी प्लस एस टू पी ये हो गया टू डी। देयरफोर small b is equal to 2xd upon 2 capital D. उसे 2 cancel out हो गया, तो small p is equal to xd upon capital D. small p की value आ गई small xd upon capital D. उसके बाद जो है अब मेरे को ये देखना है कि जो bright fringes है उनकी position क्या होगी और जो dark fringes है उनकी position क्या होगी, ठीक है? तो note करिएगा, ये तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन हो गया, ठीक है? तो आपसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर पाथ डिफरेंस, सिर्फ पाथ डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ये बता देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई फ्रिंज विड्थ बतानी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ के लिए आगे कैसे बढ़ते हैं देखते हैं। देखेंगे पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, अब यहीं पर इसी टॉपिक में सब हेड निकालेंगे पोजीशंस of positions of bright fringes, positions of bright fringes. तो इसमें लिखेंगे for constructive interference, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने एक चीज को कैलकुलेट करी ली है कि p is equal to xd upon capital D, p is equal to xd upon capital D, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम ये जानते हैं कि p कितना होता है, n लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा के इंटीजर मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होता है, तो n लैम्डा होता है। ऐसी डार्क फ्रिंजेस में अगर हम देखते हैं तो वो होता है 2n माइनस 1 लैम्डा, 2n माइनस 1 इनटू लैम्डा के बराबर। खैर पहले इसको देखते हैं, इज इक्वल टू n लैम्डा, और x कितना हो जाएगा, और x इज इक्वल टू, यहां से अगर x देखा जाए तो आप सीधे सीधे ये कहेंगे कि xd upon capital D is equal to xd upon capital D is equal to n lambda. यहाँ से x is equal to n d lambda upon small d, n capital D lambda upon small d, x की ये value होगी, where n is equal to, where n is equal to 0, 1, 2, 3, dot, like this. Integer values हो गई। अब diagram अभी नहीं मिटाऊंगा, diagram ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे भी। अब देखिएगा हम ये कहेंगे फॉर एन इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो है तो एक्स जीरो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो मतलब एन इज इक्वल टू जीरो के लिए मैं ये बोल दूंगा एक्स और सबस्क्रिप्ट में जीरो इज इक्वल टू, यहां पर एन की वैल्यू आप जीरो डालेंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? उसके बाद for n is equal to 1, तो x 1
x1 क्या होगा, n की जगह 1 डाल दीजिए, तो d lambda upon small d, ठीक है। उसके बाद n is equal to 2 और n is equal to 2, x2 कितना हो जाएगा, n की जगह 2 डाल दीजिए, 2d lambda upon small d, जो जीरो है, जीरो को बेटा हम बोलेंगे सेंट्रल राइट फ्रिंज, क्योंकि आप ये देखिए मैं कंडीशन ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली ले रहा हूँ, उसमें पाथ डिफरेंस हमारा एन लैम्डा के बराबर होता है, तो मैंने कंडीशन ही बोली है, तो मुझे ना हमेशा चमकदार जो फ्रिंजेस हैं वही मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस ही मिलेंगी। ये जो है इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और ये जो वैल्यू मिल रही है ना x1 is equal to d lambda upon small d, मतलब ये x किसके लिए यूज करते हैं, x हमेशा हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, पोजीशन के लिए यूज करते हैं फिजिक्स में x, तो पोजीशन का मतलब ही ये है कि ये उनकी पोजीशन मिल रही है कि कितनी कितनी दूरी पर वो मेरे को फ्रिंजेस मिल रही है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये हो गई। इसके लिए जब मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो इसका मतलब हो गया सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ये हो गया, एंड फॉर n इज इक्वल टू n और n is equal to n, xn is equal to n d lambda upon small d, ये तो यही वाला रिलेशन है, इसमें आप लिख देंगे n bright fringe। बताइए जी bright fringes जो समझ में आ गई, इनकी पोजीशन तो क्लियर है ना, इनकी पोजीशन तो क्लियर है, बताइए। यस सर। आकृति कुछ बताना है? नहीं सर आपने। ठीक है अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, नेक्स्ट है पोजीशंस ऑफ, जैसे ब्राइट फ्रिंजेस का देखा था बैकिंग, ऐसे ही देखेंगे पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस में क्या करना होगा, डार्क फ्रिंजेस में, डार्क फ्रिंजेस में मुझे ये देखना होगा कि जो कंडीशन है वो हमको कंस्ट्रक्टिव की नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लेनी पड़ेगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखिए, देखिए पाथ डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, p is equal to xd upon capital d, p is equal to xd upon capital d, ठीक है। और इसकी वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था 2n minus 1 lambda by 2, ये डिस्ट्रक्टिव आराम से बैठ गए 2n minus 1 lambda by 2, तो यहां से मैं इन दोनों को ले लूंगा बस, और यहां से xd upon capital D is equal to 2n minus 1 lambda by 2, तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2n minus 1 capital D lambda upon 2d, ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये आ जाने के बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो स्टार्टिंग है वो हम स्टार्टिंग हम हमेशा 1 से करेंगे, क्यों,
क्योंकि ये जो जीरो है तो जीरो तो हमारी ये वाली हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, तो जीरो से ना स्टार्टिंग करके यहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा वन से n is equal to 1, 2, 3 and like this. For n is equal to 1, for n is equal to 1, अब क्योंकि मैं x1 ले चुका हूँ, इसको मैं x1 बोल चुका हूँ, तो अब इसको x1 ना बोलते, इसको मैं x1 dash बोलूँगा. x1 dash is equal to 2 into 1 minus 1 d lambda upon 2d. कितना हो गया? d lambda upon 2d आ गया सीधा सीधा. उसके बाद ये हमारा, इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज. ऐसे ही और n is equal to 2, ये हो जाएगा x2 dash, इसको क्या बोलेंगे, 2 into 2 minus 1 d lambda upon 2d, ये हो जाएगा 3d lambda upon 2d, ये हो जाएगा second dark fringe. Second dark fringe, और इसी तरीके से जब मैं n के लिए निकालूंगा ना, और n is equal to n, अब xn ना बोलते, क्योंकि xn मैं यहाँ बोल चुका हूँ, xn dash बोल देंगे, xn dash is equal to, क्या रिलेशन बनेगा, बस आप देख लीजिए, जो ये n है इसकी जगह n डालते हैं तो यही रिलेशन बन जाएगा, 2n minus 1 d lambda upon 2d, ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, है ना, डार्क फ्रिंज, इसको बोल देंगे है ना डार्क फ्रिंज. एनथ डार्क फ्रिंज. फिर बहुत छोटा सा बचा हुआ है कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं. हम ये कहते हैं कि सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है ना, जो डिस्टेंस होता है, जो सेपरेशन होता है, उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. ठीक, ये आपको कल कराता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए बस. यहाँ तक क्लियर है ना, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दोनों की जो हमने विड्थ निकाली है, ये तो क्लियर है ना, पोजिशन जो निकाली है इनकी. Yes, sir. तो दोनों की मतलब ऑल्टरनेटली आती है हमारे पास, एक डार्क फ्रिंज और एक हमारी ब्राइट फ्रिंज. तो इनका जो डिस्टेंस आता है ना, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, तो ये जो डिस्टेंस आता है ये हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से आता है. ठीक, ये ओरिजिन से होता है, इसको ओरिजिन बोल देते हैं इस केस में, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को. तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर एक डार्क फ्रिंज आएगी. तो अगर मैंने ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस और उसमें से डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दिया, तो वो एक एक फ्रिंज की विड्थ, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, चमकदार टुकड़े और बिल्कुल ब्लैक टुकड़े, जो अंधेरे वाले टुकड़े हैं, उनकी हमारे पास विड्थ आ जाएगी. बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर. ठीक है, बस तो इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल कराता हूँ. ठीक है, ओके सर. ओके जी, थैंक यू सर. ओके.